किस मुसीबत में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? प्रमोशन के लिए मना कर दूं? पर मुझे इसकी जरूरत है, क्या करूं? मुझे मैना दीदी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। दीदी क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे तानिया बिल्कुल आ जाओ। वैसे मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन के लिए। मुझे पता है कि तुम इस पोस्ट को अच्छी तरह संभालोगी। दीदी मुझे इस बारे में आपसे बात करनी थी। मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी या नहीं, और अगर कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई तो मैं क्या करूंगी, या मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो? तानिया हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें किसी का काम करना होगा। कभी ना कभी तुम्हें भी किसी को काम सौंपना होगा और उनको समझाना होगा। आसान भाषा में लीडर वो है जो अपनी टीम को सही राह दिखाए, उनके साथ मिलकर चले, उन्हें सही रास्ता दिखाए। इसी बात का तो डर है दी, मैं सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी और मैंने इसे कभी सीखा ना पढ़ा है। तानिया लीडरशिप किताबों में नहीं सिखाई जाती। जब तुम्हें तजुर्बा होगा तभी तुम इसे कर पाओगी। इसके लिए तुम्हें और जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, इससे तुम में लीडर बनने की योग्यता बढ़ेगी। हाँ ये बात तो सच है, पर ये सब करूं कैसे? आओ मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बताती हूँ। दूसरों की बात ध्यान से सुनो, उनके जज्बात समझो, ये बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। इससे तुम्हें पता चलेगा कि लोगों को तुम्हारे साथ काम करके कैसा लगता है। जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाओ, उनके अच्छे काम की तारीफ करो। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें दूसरों से भी तारीफ मिलेगी। अपने काम में और अपने टीम में डिसिप्लिन लाओ, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। जैसे तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया, प्रेजेंटेशन अच्छी थी पर तुम्हारी टीम में डिसिप्लिन नहीं था, इससे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं और तुम्हें डांट भी मिल सकती है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ काम अपनी टीम में बांट दो और बताओ कि कैसे और क्या काम करना है। अगर उन्हें कुछ समझ ना आए तो उनकी मदद करो सलूशन ढूंढने में। पर दीदी अगर उन्होंने गलत तरीके से काम किया और मुझसे भी गलत तरीके से बात की तो मैं क्या करूं? तो उन्हें अकेले में समझाओ। ये करते वक्त तुम्हें उनसे गुस्से से बात नहीं करनी है और ना ही चार लोगों के सामने उनकी इंसल्ट करनी है। ये है कुछ तरीके जो तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। थैंक यू दीदी मुझे इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए। थैंक यू।